यानी आप ये कहना चाहते हैं, चाहे जमीन फट पड़े और चाहे हम लोगों पर आसमान टूट पड़े, चाहे इस्लामी दुनिया के साथ कुछ हो जाए, किसी भी सूरत में हम मुत्तहिद ना होंगे कभी, ये मतलब है? मेरे सुल्तान, आपके एक बहुत अहम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल कादिर गीलानी हजरत, खुश आमदीद, हमें इज्जत दी गई, आइए तशरीफ रखिए। हम यहां बैठने के लिए नहीं आए सुल्तान नूरुद्दीन। आप सभी लोगों को जो यहां आए हैं, हक की दावत देने आए हैं हम, अल्लाह के रास्ते पर लौट आइए, एक दूसरे से मुत्तहिद हो जाएं, यही हक है। मैं देख रहा हूं मुसलमान आजकल उन मोतियों की तरह है, तस्बीह के धागा टूटने से जो इधर उधर बिखर जाते हैं। होश में आए, हक की तरफ लौटे। ये वक्त हरगिज ऐसा नहीं कि आपस के इख्तलाफ का सोचें, सब एक हो जाना चाहिए। आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तौहीद का सबक ना दिया था? क्या हमें तौहीद पर एक ना किया था? क्या आप लोगों के लिए तौहीद सिर्फ एक लफ्ज है, मामूली सा महज? मुसलमान का वजूद एक मुकम्मल तौहीद है, और ये वजूद तब बनता है जब सब एक हो जाए। मुद्दत हुई एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, उलझे, लेकिन आपको इससे क्या मिला? कुछ तो बताइए, क्या हासिल किया? हां, एक काम हुआ है, कुफार मुत्तहिद हो गए, उन्होंने फातिमियों को अपने साथ मिला लिया। जब सलीबी ताकतवर हो जाएं और फातिमियों के साथ मिलकर आपके मुखालिफ बरसरे पैकार हो, तो क्या करेंगे आप? जो टुकड़ों में बटा हुआ है नहीं रहा। सिर्फ इत्तहाद को बका है। सुल्तान नूरुद्दीन ने अब शहाद का आलम बुलंद किया है। इनकी ख्वाहिश है कि तमाम मुसलमान तौहीद के इस परचम तले जमा हो जाएं। तौहीद ईमान की बुनियाद है और जहाद इस्लाम की हिफाजती दीवार। तो क्या आप लोग सुल्तान नूरुद्दीन को जिहाद के रास्ते पर तन्हा छोड़ देंगे? क्या आप तौहीद के इस मजबूत कले में दाखिल नहीं होना चाहेंगे?